good morning students today's chapter is chapter number 11 the fifth golden ticket this chapter uh, is take, was taken from uh, the movie charlie and the chocolate factory so if you want to watch it it's available okay it's a fun movie naap, okay? now let's start the chapter एंड एलेवन ईयर ओल्ड बॉय नेम्ड चार्ली बकेट वॉन्ट्स टू विन अ गोल्डन टिकट एक इलेवन ईयर ओल्ड बॉय था जिसका नाम था चार्ली बकेट वो क्या चाहता था वो गोल्डन टिकट विन करना चाहता था जीतना चाहता था दिस विल अलाउ हिम टू विजिट दी मार्वल चॉकलेट फैक्ट्री जो गोल्डन टिकट की मदद से वो क्या विजिट कर सकता था चॉकलेट फैक्ट्री को ठीक है ओन्ड बाय मिस्टीरियस विली का अब जो फैक्ट्री का जो ओनर था ठीक है जो बॉस था वो उसका नाम क्या था विली का ओनली फाइव लकी चिल्ड्रंस विल गेट टू विजिट दी फैक्ट्री अब उसमें एक कंडीशन थी कि जो मार्वल्स चॉकलेट फैक्ट्री थी उसको सिर्फ फाइव लकी चिल्ड्रन ही विज़िट कर सकते थे ठीक है क्यों क्योंकि जो गोल्डन टिकट थे वो टोटल फाइव थे ठीक है एंड हु आफ्टर ऑल वुडेंट वॉन्ट टू विजिट अ फैक्ट्री फुल ऑफ चॉकलेट वो जो फैक्ट्री थी वो फुल ऑफ चॉकलेट थी अब बच्चों को क्या होता है आपको जैसे है तो चॉकलेट पसंद है ना अगर कोई फैक्ट्री में चॉकलेट बन रही है तो आप भी उसको विजिट, विजिट करना चाहोगे ना ठीक है लेट एस रीड टू फाइंड आउट इफ़ ही कॉड द टिकट और नॉट ओके चार्ली बस थ्रू द फ्रंट डोर शाउटिंग माधर मा थर माधर मिसिस बकेट वॉज इन ओल्ड पेरेंट्स हाउस ग्रैंड पेरेंट्स हाउस रूम सर्विंग दैम देयर इवनिंग सूप चार्ली जो होता है वो फ्रंट डोर से एकदम अंदर आता है शाउट करते हुए मदर 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 तो जो उसकी जो मदर होती है मिसेस बकेट ठीक है वो कहाँ होती है ग्रैंड पेरेंट्स के रूम में होती है क्या कर रही होती है उनको इवनिंग सूप दे रही होती है मदर चार्ली रशिंग इन ऑन देम लाइक हरी केन वो एकदम से अंदर आता है रूम में लुक आईव गॉट इट द लास्ट गोल्डन टिकट इट्स माइन आई बॉट टू पार्स ऑफ चॉकलेट एंड द सेकेंड वन हैड द गोल्डन टिकट एंड देर दे आर वर क्राउड्स ऑफ पीपल ऑल अराउंड मी वेटिंग टू सी इट एंड आई रन ऑल द वे होम एंड हेयर आई एम मतलब वो बोलता है कि देखो मेरे पास लास्ट गोल्डन टिकट है और ये मेरा है मैंने दो पार्स ऑफ चॉकलेट खरीदी थी जिसमें से एक में गोल्डन टिकट था ठीक है और चार्ली बोलता है कि जो जिस शॉप से उसने चॉकलेट ली थी उधर लोग मेरे आसपास ही खड़े हुए थे देख रहे थे कि मेरी चॉकलेट में वो गोल्डन टिकट है या नहीं ठीक है इट्स दी फिफ्थ गोल्डन टिकट मदर एंड आई हैव फाउंड इट वो बोलते हैं कि ये फिफ्थ गोल्डन टिकट है मदर और मेरे को मिल चुका है मिसिज बकेट सिंपली स्टूड एंड स्टेय वाइल दी फोर ओल्ड ग्रैंड पेन्स ड्रॉप देयर स्पूस विद ए क्लैटर एंड फ्रोज अगेंस्ट देयर पिलोज मिसिज बकेट जो थी वो वहाँ पे उसको खड़े खड़े घूरती रहती है स्टेयर मतलब घूरना वायल मतलब जो उसके फोर ग्रैंड पेरेंट्स थे वो जो बैठे हुए थे सूप पी रहे थे उनके हाथ से जो स्पून थी वो ऐसे गिर गई ठीक है जैसे मूवीज़ में आपने देखा होगा ना कि जैसे एकदम सरप्राइजिंग कुछ न्यूज़ होती है तो उनसे हाथ से चीज़ छूट जाती है तो वैसे ही उनके हाथ से क्या हुआ स्पून छूट गई ठीक है फॉर अबाउट टेन सेकेंड्स देयर वॉज एब्सोल्यूट साइलेंस इन दी रूम टेन सेकेंड्स के लिए रूम में क्या हो गया था साइलेंस हो गई थी मतलब एकदम शांत हो गया था रूम नो बडी डेयर टू स्पीक और मूव किसी में हिम्मत ही नहीं थी कि वो कुछ बोले या मूव करें मतलब इधर उधर मतलब उठे ठीक है इट वॉज अ मैजिक मोमेंट देन वेरी सॉफ्टली ग्रैंड पा जो सेड यू आर पुलिंग आर लेग्स चार्ली आर एंड तो इट वॉज अ मैजिक मोमेंट वो कैसा मोमेंट था मैजिक मोमेंट था तो जो ग्रैंड पा जो होते हैं वो बोलते हैं कि यू आर जस्ट पुलिंग आर लाइक मतलब कि तुम हमारा मजाक बना रहे हो ना चार्ली है ना यू आर हैविंग अ लिटिल जोक तुम एक मजाक कर रहे हो तो चार्ली बोलता है आई एम नॉट रशिंग अप टू द बेड एंड होल्डिंग आउट द लार्ज एंड ब्यूटिफुल गोल्डन टिकट फॉर हिम टू सी तो चार्ली बोलते कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैंने देखो मेरे पास है ये गोल्डन टिकट वो गोल्डन टिकट अपनी पॉकेट से निकालता है और उनको दिखाता है ग्रैंड पेरेंट ग्रैंड पा जो लीड फॉरवर्ड एंड टुक अ क्लोज लुक हिज नोज ऑलमोस्ट टच द टिकट अब ग्रैंड पा जो होता है वो लीड मतलब कि झुका फॉरवर्ड टू टेक अ क्लोज लुक मतलब टिकट जैसे उनके हाथ में था तो क्लोज लुक लेने के लिए वो आगे को होते हैं बढ़ते हैं इतना ज़्यादा मतलब जैसे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना उनकी आंखें वीक होती है ठीक है तो वो जो आ, गोल्डन टिकट था उसको ढंग से देखने के लिए वो इतना ज़्यादा झुक गए कि उनकी जो नोज थी वो टिकट को ऑलमोस्ट टच कर रही थी द अदर्स वॉच हिम वेटिंग फॉर द वर्ल्ड देन वेरी स्लोली विद अ स्लो एंड मार्वलस ग्रैंड स्प्रेडिंग ऑल ओवर हिज फेस ग्रैंड पा जो वर्डक मतलब द अदर्स वॉज हिम वेटिंग फॉर द वर्डक्ट वर्डिक्ट मतलब ए डिसीजन दैट यू मेक और एन ओपिनियन दैट यू गिव अबाउट समथिंग आफ्टर यू हैव टेस्टेड इट मतलब ब्रैंडपा जो ने एकदम से उस टिकट को देखा था ना क्लोजली तो सब जो थे रूम में वो उनके वर्डिक्ट का, स्टेटमेंट का वेट कर रहे थे कि वो कुछ बोलेंगे उसके बारे में ठीक है देन वेरी स्लोली विद ए स्मॉल विद ए स्लो एंड मारवलस ग्रेन ग्रीन मतलब कि हल्की सी जो मिसचिवियस स्माइल होती है ठीक है स्प्रेडिंग ऑल ओवर हिज फेस ग्रैंड पा जो लिफ्टेड हिज हेड एंड लुकड स्ट्रेट एट चार्ली वो हल्की सी स्माइल देते हैं और अपना हेड ऊपर करते हैं और चार्ली की तरफ देखते हैं द कलर वॉज रशिंग टू हिज चीक्स एंड हिज आइज वर वाइड ओपन शाइनिंग विद द चॉय एंड इन देंटर ऑफ Each eye, right in very center in the black pupil, a little spark of wild excitement was slowly dancing. matlab मतलब jo जो the color was rushing to his cheeks matlab मतलब कि उनके जो the थे jo ke जो के वो क्या हो गए थे एकदम gaye हो गए थे उनकी जो wo थी वो एकदम से खुल गई थी ho gayi हो गई थी और जैसे होता है ना कि हैप्पीनेस से जो आइज होती है वो शाइन करने लग जाती है ऐसी ही उनकी आइज़ भी शाइन कर रही थी ठीक है सडनली विद नो वार्निंग वाट्स एवर ही थ्रू अप हिज आर्म्स एंड येल ये पी मतलब एक uh, सडनली मतलब अचानक से वो क्या करते हैं विद नो वार्निंग वाट्स एवर मतलब कि किसी को कुछ हिंट नहीं होता कि वो क्या करने वाले हैं नेक्स्ट मूव क्या है उनका तो क्या करते हैं अपने हाथ ऊपर करते हैं जैसे डांस करते हैं ना हाथ ऊपर करते हैं और क्या येल मतलब चिल्लाते ये पी जैसे हम uh, जब खुश होते हैं जैसे होते हैं ना तो हम ये ये पी वर्ड बोलते हैं ऐसे ही उन्होंने बोला एंड एट द सेम टाइम हिज बोल ऑफ सूप वेंट फ्लाइंग इन टू द फेस ऑफ ग्रैंडमा जोसुफीन एंड इन वन फेंटेस्टिक लीप द ओल्ड फेलो ऑफ 96 सिक्स एंड हाफ हु हैडन बीन आउट ऑफ बेड दीज लास्ट ट्वेंटी ईयर्स जम्पड आउट जंप्ड ऑन टू द फ्लोर एंड स्टार्टेड डूइंग ए डांस ऑफ विक्ट्रीनज पजाम इसका मतलब था कि जो उनके हाथ में जो बोल ऑफ सूप था वो क्या होता है जैसे वो हाथ ऊपर उठाते हैं अपने ये पी बोलने के लिए तो उनके हाथ में जो सूप का बोल था वो क्या होता है गिर जाता है ऊपर ऐसे फ्लाई करते हुए गिरता है और किसके ऊपर गिरता है ग्रैंडमा जोसुफ़ीन के फेस पे गिरता है वो सूप ठीक है उनके साइड में बैठी होती है तो वैसे हाथ ऊपर करते तो उनका जो सूप होता है वो ग्रैंडमा जोसफी के फेस पर गिर जाता है ठीक है और जो ग्रैंड पा जो थे वो कितने साल के थे नाइन्टी सिक्स एंड हाफ ईयर के ठीक है तो, तो इसमें बोला है कि वो आधे साल से मतलब लास्ट ट्वेंटी ईयर से वो बेड से नहीं उठे थे और वो एकदम से जंप करते हैं और डांस करने लग जाते हैं अपने पजामाज में ठीक है ये पी ही शाउटेड थ्री चीयर्स ऑफ चार्ली हिप हेप हो रहे एट दिस पॉइंट द डोर ओपन एंड मिस बकेट वॉकड इन टू द रूम अब जैसे ये शोर मचा रहे थे ठीक है डांस कर रहे थे तो क्या होता है कि डोर ओपन होता है और कौन आते हैं चार्ली के फादर आते हैं मिस्टर बकेट आते हैं ठीक है ही वॉज कोल्ड एंड टायर्ड एंड ही लुकड इल वो क्या थे बहुत ठंड ठंड थी ना वहाँ पे जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे बहुत ठंड ठंड होती है ठीक है तो उसके फादर क्या आते हैं अंदर आते हैं डोर में और उनको देख के ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब से ठटोर रहे हैं ठंड से और टायर्ड है एंड ही लुकड इल मतलब बीमार भी लग रहे थे ऑल डे लॉन्ग ऑल डे लॉन्ग ही हैड बीन शवलिंग स्नो इन द स्ट्रीट वो सुबह से क्या कर रहे थे शवल कर रहे थे स्नो को मतलब रास्ते से हटा रहे थे वॉट्स गोइंग ऑन इन ही वो बोलते कि क्या चल रहा है यहाँ पर इट डीट इट डेंट टेक हिम लॉन्ग टू टेल हिम दैट वॉटन वॉट हैड डोंट बिलीव इट ही सेड इट्स नॉट पॉसिबल तो सब क्या होते हैं उनको बता देते हैं कि क्या हो रहा है तो उसके फादर बोलते कि नहीं मैं नहीं मानता देखो, ये पॉसिबल ही नहीं है शो हिम द टिकट चार्ली शाउटेड ग्रैंड पा जो तो ग्रैंड पा जो चार्ली से बोलते हैं कि शो हिम द टिकट टिकट दिखाओ उनको हु वाज स्टिल डांसिंग अराउंड द फ्लोर इन स्ट्रिप्ट पजामाज देखो है ना फादर डांस कर रहे हैं वो सॉरी ग्रैंड पा जो डांस कर रहे हैं और इनका जो सूप है वो एकदम आता है फ्लाई करते हुए और ग्रैंड मा जोसुफ इनके फेस पे गिर जाता है और ये जो लेडी है ये चार्ली की क्या है मदर है मिसेज पकेट है ठीक है तो ग्रैंड जो बोलते हैं कि शो हिम द टिकट चार्ली उनको टिकट दिखाओ हु स्टिल डांसिंग अराउंड द फ्लोर इन ए स्ट्रिप पजामाज शो योर फादर द फिफ्थ एंड लास्ट गोल्डन टिकट इन द वर्ल्ड वो बोलते कि अपना लास्ट एंड फिफ्थ गोल्डन टिकट उनको दिखाओ मी सी इट चार्ली मिस्टर बकेट सेड तो मिस्टर बकेट जो उसके फादर होते हैं चार्ली के वो बोलते कि मेरे को देखने दो Collapsing into इन टू चेयर एंड होल्डिंग आउट हिज हैंड इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग दिस गोल्डन टिकट हैविंग बीन मेड सो seemed from शीट ऑफ प्योर गोल्ड हैमर्ड एंड आउट ऑफ ऑलमोस्ट ऑफ thinness ऑफ पेपर वो जो गोल्डन टिकट था वो गोल्ड का बना हुआ था ठीक है वो इतना ज़्यादा मतलब उसको पतला कर रखा था आ, कि वो एक पेपर की तरह लगता था ठीक है ऑन वन साइड ऑफ इट प्रिंटेड बाय सम क्लेवर मेथड इन जेट ब्लैक लेटर्स वाज द इनविटेशन इट फ्रॉम मिस्टर वोंका टिकट के एक साइड पे ब्लैक कलर से बहुत ही मतलब डार्क ब्लैक कलर से इन्विटेशन लि लिखा हुआ था जो कहाँ का था मिस मिस्टर व का ठीक है रीड इट लाउड सेट ग्रैंड पा जो तो ग्रैंड पा जो बोलते हैं कि इसको तेज़ी से पढ़ो ठीक है क्लाइंबिंग बैक इन टू बेड अगेन एट लास्ट फिर वो क्या करते हैं बोलते हैं कि इसको तेज़ी से पढ़ो और फिर क्या करते हैं वो अपने बेड पे जाके दोबारा बैठ जाते हैं ठीक है सो दिस इज योर A part second, uh, I will give you this video okay.